हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ वो बहुत ही यूनिक रेसिपी है, बहुत ही हेल्दी है, टेस्टी भी है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी पसंद आएगा। सबसे पहले मैं एक प्रेशर कुकर में आलू, गोभी, बंद गोभी, पत्ता गोभी, एक बड़ा सा टमाटर, गाजर, बीन्स, हरी मिर्च और थोड़ा नमक और पानी दे के इसको प्रेशर कुक कर लूँगी। इसे हमें बहुत अच्छे से पकाना है, तो 3 से 4 सीटी हमें इस पे लगाने होंगे। जब तक ये तैयार होता है हम लोग एक पेस्ट बना लेंगे। तो एक बाउल में मैंने दही लिया है। अब मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक के पेस्ट को थोड़े से पानी में घोल के रखा था। अब मैं इस पे ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नॉर्मल जो हम लोग मिर्ची पाउडर लेते हैं वो, फिर हल्दी पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, सारा एक साथ देके इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और साथ में थोड़ा सा नमक और चीनी भी इसमें ऐड करना है, और 1/2 चम्मच गरम मसाला भी मैंने इस पे ऐड किया है, और 2 टीस्पून टमाटो केचप ऐड किया है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इस पे डाल दूँगी कसूरी मेथी 1 टीस्पून। इससे ना स्मेल बहुत अच्छा आता है। और उसके साथ ही ग्रीन पीस, मैं इस पे थोड़े से ग्रीन पीस ऐड कर दूँगी। अब हम लोग का ये पेस्ट भी तैयार हो गया, और साथ ही साथ ये जो वेजिटेबल्स थे वो भी पक गए हैं। अब मैं इनको एक दूसरे बाउल में निकाल लूँगी। अब एक मैशर की मदद से, जैसे हम लोग पाव भाजी के लिए करते हैं ना, उसी तरह से सारे वेजिटेबल्स को मैश कर लेना है। तो अब चलते हैं कुकिंग की तरफ। कढ़ाई में मैं 1 टीस्पून ऑयल दे दूंगी और 1 टीस्पून बटर। अब इस पे ये 1/2 क्रश किया हुआ धनिया है, तो साबुत धनिया को मैंने थोड़ा सा 1/2 क्रश कर लिया था, 1 टीस्पून में वो डाल दूंगी। और उसके साथ प्याज, शिमला मिर्च और पनीर जो डाइस किए हुए हैं वो डाल के नमक और काली मिर्च से सीजनिंग कर दूंगी। और इसको हम लोगों को 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम में पकाना है, क्योंकि हम लोग को ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि हमें ये सब्ज़ी क्रंची चाहिए। तो बस 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि एकदम जो रॉपन है या कच्चापन है वो चला जाए। 2 मिनट फ्राई कर लेने के बाद हमें इस सब्ज़ी को अलग से रख देना है। अब मैं उसी कढ़ाई में थोड़ा सा और ऑयल डाल दूंगी, और उसके बाद 2 सूखी मिर्च, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग और 2 इलायची और 1/2 टीस्पून ज़ीरा डाल के उसको अच्छे से चटकने दूंगी। उसके बाद जो पेस्ट हम लोगों ने बनाया था मटर और सारे मसाले डाल के, उस पेस्ट को इस पे डाल के इसको बहुत अच्छे से भून लेना है। मैंने यहाँ पे 10 मिनट इसको भून लिया है। आप देख सकते हो 10 मिनट भूनने के बाद पूरा मसाले ने अपना जो तेल है वो ऑयल रिलीज कर दिया। अब हम इस पे डालेंगे जो हम लोगों ने बॉयल सब्ज़ी का पेस्ट बनाया था वो इस पे डाल देंगे। अब हम को इसको बहुत अच्छे से पकाना है, कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है, और लो फ्लेम में पकाना है इसको। बीच बीच पे एक बार चलाते रहे आप इसको। अब 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत अच्छे से पक चुका है। थोड़ा सा मैं इस पे पानी ऐड करूँगी, और उसके साथ जो हम लोगों ने वेजिटेबल सॉटे करके रखा था वो, और थोड़ा सा धनिया। ये सारी चीज़ों को देखे मैं इसको दोबारा से एक बार मिला लूँगी, और फिर से हम लोगों को इसको 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम में पकाना है। मैं इसमें थोड़ा सा बटर भी ऐड कर रही हूँ, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो क्योंकि पहले भी हम लोगों ने बटर दिया था, बट फॉर सम एक्स्ट्रा टेस्ट मैं इस पर थोड़ा सा बटर और ऐड कर रही हूँ। अब ये पूरा पक चुका है। अब हम लोग फ्लेम को बंद करने के बाद इस पे लेमन जूस डालेंगे। 1/2 लेमन का जूस मैं इस पे डाल रही हूँ, तो वो एक अच्छा सा फ्लेवर आता है पाव भाजी वाला।
तो ये हम लोगों का पनीर का हेल्दी वाला सब्ज़ी हो गया है रेडी। इसको आप राइस के साथ या फिर रोटी या पराठा के साथ भी सर्व कर सकते हो। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट पे ज़रूर बताना। प्लीज़ गिव अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।